जैसा हमारा इफ स्टेटमेंट है ऐसा ही हमारा स्टेटमेंट होता है केस स्टेटमेंट, जिसे सेलेक्ट केस या डू केस के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रामिंग मेथड के साथ में जो सी, सी प्लस प्लस, जावा और वीबी की हम बात करें तो ये स्टेटमेंट को यूज़र को अलग अलग तरीके से यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करता है। इफ स्टेटमेंट यदि ऐसा हो तो ऐसा करें, यानी हमारी शर्त ट्रू हो तो ये कंडीशन हो, फॉल्स हो तो ये कंडीशन हो, इस प्रकार का लॉजिकल स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा कंडीशन देते हैं, जैसे हमारे प्रोग्राम में दो कंडीशन है अभी हमने देखी कि यदि सैलरी 5000 इससे अधिक हो तो इतने परसेंट, नहीं तो इतने परसेंट, दो से तीन कंडीशन है। जैसे आपको प्रोग्राम दे दिया जाए कि स्टूडेंट का नाम, उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर टोटल परसेंटेज याद करें, और यदि परसेंटेज 75 या उससे ऊपर हो तो डिस्टेंट आए, 60 या उससे अधिक हो तो जो है कि ए ग्रेड आए, और 45 या इससे अधिक हो तो बी ग्रेड आए, 33 या इससे अधिक हो तो पास हो, नहीं तो फेल। यानी कितनी सारी कंडीशन है, 75 डिस्टेंट वाली एक, ए ग्रेड वाली दो, बी ग्रेड तीन, फेल वाली चार, और सॉरी पास वाली चार और फेल वाली पांच। यानी एक ही प्रोग्राम के अंदर पांच कंडीशन हमें चेक करना है। अब जरूरी नहीं कि पांच, आपको हो सकता है कि पांच से अधिक कंडीशनों को चेक करना पड़े और उनमें से कोई एक ट्रू हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोग्राम का साइज बढ़ जाता है। और हर बार इफ स्टेटमेंट ये कहता है कि जितनी बार इफ को आप स्टार्ट करेंगे उतनी बार उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सेलेक्ट केस एक सुविधाजनक प्रोग्रामिंग मेथड आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसमें है सेलेक्ट केस स्टार्ट होगा, फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो भी आपको देना है कंडीशन, और इसके बाद केस एक्सप्रेशन लिस्ट, जितने भी स्टेटमेंट आपको लगाना है उनके आप लिस्ट लगा सकते हो। और इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें जो स्टेटमेंट, जो कंडीशन हम देंगे, प्रत्येक कंडीशन को स्टार्ट करेंगे तो उसको क्लोज आपको नहीं करना पड़ेगा, वो आपको इसमें बेनिफिट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने प्रोग्राम दिया सप्ताह के दिन को प्रदर्शित करने के लिए, यानी प्रोग्राम है हमारा, यदि हम प्रेस करें 1 तो बताएं संडे, यदि प्रेस करें 2 तो बताएं मंडे, प्रेस करें 3 तो बताएं ट्यूजडे। इस प्रकार के 7 नंबर हमने एंटर किए हैं इसमें, उसके आधार पर सप्ताह के दिनों को प्रिंट करें। तो यहाँ पर प्राइवेट बटन पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्टेटमेंट सेलेक्ट केस, सेलेक्ट दिया नाउ। नाउ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, एट प्रेजेंट का ये डेट और टाइम लेता है, तो नाउ डॉट डे ऑफ वीक सप्ताह के दिन को ले, तो वो वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट केस में आ जाएगी। इसके बाद यह केस डे ऑफ वीक डॉट संडे मैसेज बॉक्स में आ जाए फर्स्ट डे। ये थोड़ा सा उल्टा है, हम प्रेस भी करवा सकते हैं, है ना, और हम ले भी सकते हैं। तो सेलेक्ट केस से यहाँ पर लिया है मैसेज वन डे, यानी संडे होगा तो बता देगा कौन सा दिन है, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम से कॉल करके आज का दिन ये बता देगा। हम इस कोड को, इस प्रोग्राम को इसमें डिज़ाइन करके देखते हैं।